तुमने कहीं मुन्ना को देखा है? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। उसने खाना भी नहीं खाया और धूप भी नहीं पिया और उसे स्कूल जाने की तैयारी भी तो करनी है। मैंने तो मुन्ना को नहीं देखा, मैं तो सुबह से मतलब हीरो नहीं हूँ। माँ मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। ये छोरी बड़ी आई, स्कूल जाने वाली घर की काम कर अच्छे से सीख ले, आगे चलकर यही तेरे काम आने वाले है। पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनने है, जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। हाँ जी, मेरा को दाखिला स्कूल भर्ती करा दीजिए ना, उसे भी पढ़ना लिखना भी जरूरी है। तू चुप कर, पढ़ना लिखना ये तो केवल लड़कों का है, उन्हें आगे चलकर घर के गृहस्थी की जिम्मेदारी भी तो करना है। अरे क्या हो रहा है, कौन किसकी जवाबदारी कर रहा है और हमारे मीरा बेटी क्यों रो रहा है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल में जाने नहीं होती की कहती है, मुझे पढ़ पढ़ के करना है, आगे चलकर छोटी ही संभालना है। अरे ये तो बहुत गलत बात है माँ जी, क्या आपको नहीं लगता है कि हम बेटियाँ भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज बहुत आगे बढ़ गए हैं माँ जी, आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं? मैं टीचर दीदी के पास बात कर कर मेरा मेरा पता किला कराती हूँ। और हाँ, मैं तो इसलिए आया था कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं, जगह जगह इस कैंप की लगी है। अच्छा हुआ बहन जी अब आ गए, अब मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे और उसे स्कूल भी पहुँचा देंगे। अच्छा मेरा, अब तुम रोना नहीं, जरूर स्कूल जाओगी और मेरी तरह पढ़ लिख कर अच्छी डॉक्टर बनूंगी, ठीक है बहन? जगह एक ग्लास पानी तो लाना, अभी लाए बहू। अरे यार देखो अखबार में प्यारी बेटे के बारे में कितनी सुंदर कविता लिखी है, अब मैं ये कविता पढ़कर सुनाता हूँ। बेटी बेटी बाप फसाद, मुझे चाहिए प्यार गुलाब, बेटी की अनदेखी क्यों करता निश्चित संसार। सोचो जरा हमारे बिन बचा सकोगे घर परिवार, जब माई जब मैं ना होगी तो तुम जन किसे पाओगे, जब बहन ना होगी घर आंगन में तो किसे रूठोगे किसे मनाओगे, जब दादी नानी ना होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगी, जब तुम सौफ या सुंदरी ना होगी तो तुम किसे बहन चाहोगे, जिस दुनिया में स्त्री ही ना होगी उस दुनिया में कैसे रह पाओगे, जब तेरे घर में बहू ही ना होगी तो कैसे विष भराओगे, नाने के भी जब सुना है तुम ये बात का समझ पाओगे। हाँ तो कैसी लगी ये कविता, है ना मजेदार? कहे कि मजेदार कविता मुझे आई नहीं पसंद। अरे कोई गल नहीं है क्या? आए आए टीचर दीदी, हम आपकी ही इंतजार कर रही थी। जरा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई, इसलिए मैं नहीं आ पाया। डॉक्टर मैम जी कह रही थी कि मीरा का स्कूल दम नहीं कराया, ये तो बहुत रूना चतरा, हमेशा ये जंग होती है। हाँ हाँ खूब पढ़ाओ लड़की को और बाहर भेजो, जब कुछ गलत सलत हो जाए तो ना अपना मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। अरे माँ जी कहाँ की बात, मेरा कॉलेज सब पढ़ाई पूरी करने दीजिए, आगे की पढ़ाई बाद में सोचेंगे। हाँ मैं भी यही चाहती थी, पर मेरा स्कूल जाए खूब पढ़े, पर मेरा कौन सुनता है? कल मेरा को तैयार रखना, मैं आज को लेने आऊंगी। क्यों दादाजी सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा बेटा, मैं तब से कह रहा हूँ कि मेरा को स्कूल भेज दो। प्रणाम दादाजी। प्रणाम बेटा। प्रणाम। प्रणाम।